महिपाल मदेरणा की बेटी और ओहिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के खिलाफ में हनुमान बेनीवाल के विवादित बोल के बाद में राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पूरे फंस गए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी और जोधपुर के ओसियां से कांग्रेस विधायक पर विवादित टिप्पणी करने पर बवाल बढ़ गया है। हनुमान बेनीवाल पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। बता दें कि बावड़ी उपखंड में एक सभा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा पर हमला करते हुए कहा था, दिव्या को शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग सही रहता है। हनुमान बेनीवाल के इस विवादित टिप्पणी के बाद राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। ओहिया विधानसभा में कांग्रेसियों का गुस्सा बेनीवाल के खिलाफ फूट गया है। बता दें कि बेनीवाल सिर्फ दिव्या पर ही नहीं बल्कि उनके दादा और मारवाड़ की किसान राजनीति को बदलने वाले दिवंगत नेता मदेरणा साहब के खिलाफ भी अपशब्द कहे थे। बेनीवाल इन दिनों राजस्थान में अलग अलग जिलों में घूमकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ 27 जून को होने वाली रैली के लिए युवाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन दिव्या पर विवादित टिप्पणी कर हनुमान बेनीवाल अपने गले एक नया विवाद मोल लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।